फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिस्पेक्ट्स गो आउट टू मिश्रा सर। जब मेरी सिलेक्शन हुई थी 19 में रिजल्ट आया था तो आई वेंट टू दिल्ली और फिर सर ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था डीडी नेशनल के लिए ही। और तब मैंने देखा था इन्होंने जो सेटअप क्रिएट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए एंड देन दे हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, ये गरीबों की मदद भी करते हैं, उन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं। तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि चाणक्य जिस तरह से चल रहा है, तो इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो। बट इट वॉज ओनली आफ्टर दैट कि चाणक्य का एक सेंटर जम्मू में इस्टेब्लिश हुआ एंड मेरी ओवेश जी से बात हुई तो इट वॉज ए गुड थिंग कि जम्मू में एक सेंटर लेके आए। मुशीर सर, थैंक्स फॉर बींग हेयर। अंजीत माई कलीग, गौरव सर, कबीर जी एंड एंटायर टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं भी आपके जैसा ही एक बच्चा था और यहीं जम्मू यूनिवर्सिटी में आया करता था। डॉइक सेंटर में मैंने अपना ऑटो कैड का कोर्स किया है और जब मेरी तैयारी शुरू हुई 2016 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ डिसम्बर, तब मैं जूनियर इंजीनियर बन के जम्मू वापस आया था। आई वॉज वर्किंग इन अदर स्टेट्स। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि इफ़ आई एम इन माई होम टाउन नाउ दैट मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो वाई नॉट गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो मतलब जो सर ने एक चील वाली कहानी सुनाई, हम भी उन्हीं मुर्गियों की तरह थे जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे, जॉब कर रहे थे, अर्न कर रहे थे और लग रहा था कि ऐसे ही लाइफ स्पेंड हो जाएगी, प्रमोशन लेते जाएंगे, विल ग्रेजुअली रिटायर और लाइफ शायद यही है। सब्सिक्वेंटली आई केम अक्रॉस सर्टेन पीपल, मेरे दोस्त थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट मुझे लगा कि ये लोग यूपीएससी कर रहे हैं, हम कहाँ कर पाएंगे। आई स्टार्टेड फॉर केएस, जेकेएस, तो यहीं पे एक लोकल इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी कोचिंग लेना शुरू कर दिया एंड देन आफ्टर जॉब आई यूज टू कम टू द लाइब्रेरी जम्मू यूनिवर्सिटी की। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है मेरी आज भी सिक्योरिटी डिपॉजिटेड है, वो लेनी पड़ेगी। तो जब तब ऐसी लाइब्रेरीज भी नहीं थी चाणक्य की जैसी हैं या फिर जो स्टडी रूम्स आज डेवलप हो चुके हैं जम्मू में, वो भी नहीं थे। तो आई यूज टू कम टू लाइब्रेरी, शाम को बैठ के यहाँ पे पढ़ना, यहीं पे एक सर्कल बना जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके साथ जुड़ना। गौरव सर तब गौरव गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, ही इज के एस, ये मेरे स्कूल के सीनियर हैं, तब ये नए नए के एस ऑफिसर बने थे तो मैं इनके पास रेवेन्यू इंस्टीट्यूट में जाके इनसे भी पूछता था कि कैसे तैयारी करनी है। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शुरू हुई, आहिस्ता आहिस्ता अपना एनवायरनमेंट देखना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियों ने आंखें खोलना शुरू की और देखा कि हाँ उड़ सकते हैं। सब्सिक्वेंटली के एस की तैयारी करते करते एक आपस में अब एक रिजॉल्व बन जाता है कि ओके आई हैव टू गो फॉर इट, आई हैव टू फ्लाई नाउ। तो जब उड़ने का सोच लिया तो सोचा कि क्यों ना गो फॉर द बेस्ट। इट्स नॉट दैट कि केएस और आईएएस में कोई ऊपर नीचे है, बट देन गो फॉर द टफेस्ट थिंग। तो उसी फिर जब केएस के प्रीलिम्स एक दो बार क्लियर हो भी गए तो फिर तब तक मन बना लिया था कि नाउ आई वॉन्ट गो फॉर केएस सिंस आई एम ऑलरेडी वर्किंग, फॉल बैक प्लान है, अगर बाई चांस फेल भी हो जाता हूँ तो आई सिंपली स्विच बैक, बट इफ आई हैव टू ट्राई एंड देन इफ आई हैव टू डू समथिंग आई विल गो फॉर द बेस्ट, आई विल गो फॉर द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एट दैट टाइम अराउंड 18 आफ्टर फेलिंग मल्टीपल टाइम्स इन यूपीएससी, तो आई डिसाइडेड दैट नाउ इज द गोल्डन टाइम, नाउ इज द अटेम्प्ट, नाउ आई हैव सेक्रीफाइस्ड केएस, नाउ आई हैवंट इवन गॉन फॉर अटेम्प्टेशन ऑफ द मेन्स। एंड जब पेरेंट्स ने भी एक बार बोल दिया कि बच्चे हम तुमसे नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स ने भी एक बार बोल दिया कि केएस कर लो, आईएएस हम जैसे बच्चे थोड़ी कर सकते हैं, हमारा वो कैलिबर नहीं है, हम वो आईआईटीएन नहीं है, ना ही हम कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो पेरेंट्स ने भी एक बार बोल दिया। बट देन एक मन में बना लिया हुआ था कि ओके अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो ना सही, बट दिस हैज टू बी द गोल्डन अटेम्प्ट जैसा सर बता रहे थे। तो सब्सिक्वेंटली जब 16 का एक बार प्रीलिम्स फेल कर दिया, 17 का मेंस फेल हो गया, तो 18 में थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा आ चुका था कि आई कैन फ्लाई। तो 18 का अटेम्प्ट फिर वैसे ही गोल्डन अटेम्प्ट मान के चला, बिकॉज जॉब भी थी, जॉब के अपने कंस्ट्रेंट्स थे, तो पता था कि इसके बाद शायद दूसरी बार ना जॉब से रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही ये एग्जाम पास हो सकता है।
तो जब सोच लिया था कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट एंड इट हैज टू बी द बेस्ट, इवेंचुअली आई मेड इट. गॉड हेल्प, आई डोंट नो कैसे, बट इवेंचुअली आई डिड. मैं सर सर की सारी बातों से रिलेट कर पा रहा हूँ और आप भी रिलेट कर पाएंगे एक टाइम के बाद. नाउ यू आर स्टार्टिंग, एक टाइम के बाद जब आप इस स्टेज से आगे निकलोगे, व्हेन यू अचीव बिग, यू विल रियलाइज ऑल दीज थिंग्स. यू विल रियलाइज एवरीथिंग दैट वाज सेड हियर इज एक्चुअली रियलिटी. एवरी वन ऑफ अस गो थ्रू द सेम रूटीन, गो थ्रू द सेम स्ट्रगल्स, गो थ्रू दैट आउटसाइड ऑफ कंफर्ट जोन क्राइटेरिया, एंड देन ओनली वी आर एबल टू अचीव इट. टुडे आई एम वर्किंग हियर एज ADC जम्मू. कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि अपनी ही होम डिस्ट्रिक्ट में, जिस DC ऑफिस के बाहर एफिडेविट बनाने के लिए जाना पड़ता था, अंदर घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, आज वही सर्व करेंगे. कभी नहीं सोचा था. इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, कई चीजें आप भी आज इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे. थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस, जस्ट गिव योर बेस्ट टुडे. आज सर का जो इतना अच्छा एक सेशन चल रहा है, जो हमारा मिशन यूथ और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के थ्रू परवाज स्कीम है, देन स्टार्स 100 स्कीम है, ये चीजें तब नहीं थी. एंड इट्स नॉट लॉन्ग बैक, इट्स जस्ट 3 ईयर्स. एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट शाहिद सर फॉर दिस. अंडर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर ऑनरेबल LG सर, शाहिद सर का तो मैं प्रोबेशनर भी रहा हूँ. वेन वी गेट सिलेक्टेड वी गो अंडर ए डिप्टी कमिश्नर एंड वी वर्क अंडर हिम फॉर 1 ईयर. वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम हिम, ही करेक्ट्स अस. तो आई हैड दैट रेयर अपॉर्चुनिटी टू बी द प्रोबेशनर ऑफ शाहिद सर. तो उन्होंने जब ये सिस्टम बनाया, आई नो इन एंड आउट कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की है. तो अगर आपको ये कोई चीज मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, परवाज और स्टार्स 100 की तरफ से, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट. प्लीज वर्क हार्ड. अपने एम, अगर आप सब यहां पे आए हो तो कहीं ना कहीं यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इट. सो मेक गुड यूज ऑफ दीज स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट. मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम टुडे. टुडे यू आर यूथ, यू हैव दैट एनर्जी. आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं. सो जस्ट गिव योर बेस्ट. कल को अपने आप से ये ना पूछना पड़ जाए कि काश मैंने उस टाइम थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश उस टाइम पे मैंने ये गलती ना की होती, काश उस टाइम मैंने ये ना किया होता. वी आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम आवरसेल्फ. तो व्हेन यू आर इन योर यूथ, यूटिलाइज द बेस्ट रिसोर्स दैट एनर्जी विद इन यू, एंड नेवर एवर लुक बैक. आगे का सोचना और अपना बेस्ट देना. आई डोंट हैव मच टू ऐड हियर, बट इन केस एनी ऑफ यू वॉन्ट टू हैव एनी पर्सनल चैट और पर्सनली आपको कभी मिलना हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन माई ऑफिस. आई एम ए लोकलाइट, कभी घर भी ड्रॉप कर सकते हो. माई डोर्स, माई फोन, एवरीथिंग इज ओपन एंड आई ट्राई टू बी एज लिबरल एज पॉसिबल. थोड़ा जॉब की वजह से कंस्ट्रेंट रहते हैं तो वो अलग बात है, बट आई रीच बैक. ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच.